ज्यादा बड़ा और कितना ज्यादा खतरनाक हाथी जो कि हमारी सिटी के अंदर आ चुका है और सिर्फ ये सिटी में ऐसे ही नहीं है, पूरी की पूरी सिटी को खत्म करने आया है। कहाँ है डीटीएल? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी सिटी को ये बिल्डिंग ये ले। मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा लेकिन उसी के साथ साथ मैं तेरी पूरी की पूरी सिटी को भी खत्म करूंगा। हल्क ने मेरे ओल्ड हाउस को अपने हाथों में ले लिया और सारी की सारी चीजें भी उसके ऊपर है, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया है? इतनी रात को मुझे अपने शोरूम से कोई कॉल करके कह रहा है जल्दी से शोरूम पे आ जा, पता नहीं क्या है इतनी रात को, तो मैं शोरूम ही जा रहा हूँ देखने के लिए आखिर है कौन। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे शोरूम पे गड़बड़ होने वाली है? लेकिन ऐसे कैसे गड़बड़ होगी? या तो रामू कॉल कर रहा होगा या फिर कुमू ही कॉल कर रहा होगा। बस मैं पहुंच गया इस साइड पे, मैं अपनी गाड़ी को बस यहीं पर पार्क कर लेता हूं और आगे बस ऐसे ही चला जाता हूं मैं। लेकिन कॉल कर कौन रहा था क्योंकि इस टाइम पे पूरा का पूरा शोरूम भी खाली होता है, रामू भी नहीं होता है और कुमू भी नहीं होता है। एक सेकंड वहां पर मुझे कोई नजर आ रहा है, ये क्या है? अरे डीटीएन इतनी ज्यादा कॉल्स करने के बाद तू आ ही गया। अरे ये तो एक छोटा सा हल्क है, लेकिन हल्क तू मेरे शोरूम में क्या कर रहा है और मुझे कॉल क्यों की? अरे इसी वजह से तो कॉल की, मैं तुम्हारी वजह से ही छोटा हूँ। अब या तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा या तो मुझे बड़ा कर। कुछ भी? अरे लेकिन मैं तुम्हें कैसे बड़ा कर सकता हूँ और मेरी वजह से तू कैसे छोटा हुआ? ना तो मैंने कभी तुम्हें देखा है, मैं तो तुम्हें फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो मेरी वजह से तू कैसे हुआ? अरे कल जब तू हगी वगी इतने सारे हगी वगी से लड़ रहा था ना, उसी टाइम पे मैं वहीं पर सब कुछ देख रहा था और उसी टाइम तू एक नॉर्मल फ्रैंकलिन से जायंट फ्रैंकलिन बन गया था और जैसे ही तू जायंट बन गया था मैं छोटा बन गया था। क्या मेरे बड़े होने से तू कैसे छोटा हो सकता है? नहीं मैं नहीं मान सकता, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है तू जा, लेकिन अब देखना कल मैं एक जायंट हल्क बन के तुम्हें मैं ना फिनिश करूँ तब मुझे कहना। हाँ हाँ देख लूंगा पिद्दू से हल्क तू पहले बड़ा हो क्या? अजीब बात है भाई, अब मेरे शोरूम में हल्क मुझे बोल रहा है, कल तू जब हगी वगी इतने सारे हगी वगी से लड़ रहा था और जैसे ही तू जायंट हुआ था मैं छोटा हो गया था। अब ऐसे कैसे हो सकता है मुझे तो नहीं पता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो छोटा हो चुका है और वो मुझसे काम निकलवाना चाहता था, मुझे कह रहा था मुझे बड़ा कर दे, मैं तो नहीं करने वाला। बट उसने मुझे एक धमकी दी है कि कल मैं एक जायंट बन के तुम्हें फिनिश करूंगा, अब ऐसा ना हो वो सच्ची में एक जायंट हल्क बन जाए। लेकिन नहीं रातों रात वो इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता, बस मैं अपने घर ही जाता हूँ और जाके सो जाता हूँ। फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, अभी तक तो मैं सो भी जाता हूँ, अब पता नहीं मुझे नींद आएगी कि नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ सोने की, आ ही जाएगी। ये रहा मेरा बेड, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, फाइनली सुबह तो हो चुकी है, लेकिन मैंने पूरी रात बैठ के हल्क के बारे में सोचा है, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। एक बार मैं न्यूज देख लेता हूँ, शायद न्यूज में कुछ बता रहे हो। जी हाँ, अभी अभी जुरासिक पार्क के अंदर एक जायंट सा हल्क दिखा गया है जिसका कहना है कि आज मैं डीटीएन मॉन्स्टर को नहीं छोड़ूंगा, उसी के साथ साथ पूरी की पूरी सिटी को भी खत्म कर दूंगा। आखिर डीटीएन मॉन्स्टर इसका सामना कैसे करेगा और पूरी की पूरी सिटी इसका सामना कैसे करेगी और क्या कर रहा है ये? व्हाट? वो हल्क रातों रात जायंट भी बन चुका है और वो बोल रहा है, सीधा बोल रहा है कि मैं डीटीएन को फिनिश करने आया हूं, उसी के साथ पूरी की पूरी सिटी को। मुझे तो लगा था वो मुझे ऐसे ही बोल रहा है लेकिन वो सच्ची में बोल रहा था, मुझे यहाँ पर तो नजर नहीं आ रहा। वेट, मैं अपनी बाइक निकालता हूँ और सीधा जाके पुलिस वालों को बताता हूँ। सिर्फ पुलिस ही है जो कि मुझे बचा सकती है और तो मुझे अभी कोई भी बचा नहीं सकता उस वाले जायंट हल्क से। मैं पुलिस स्टेशन तो आ चुका हूँ लेकिन बाहर जो पुलिस होती है वो मुझे नजर नहीं आ रही और अंदर भी कोई पुलिस वाला नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो जब भी पुलिस स्टेशन आता हूँ दो पुलिस वाले बाहर होते और तीन अंदर बैठे होते, लेकिन अभी मुझे एक भी नजर नहीं आ रहा। इससे पूछता हूँ, अरे भाई पुलिस वाले कहाँ गए? तुम्हें पता नहीं है कि सिटी में एक जायंट हल्क आ चुका है, सारे के सारे पुलिस वाले उसी से ही लड़ने गए हैं। अच्छा मतलब इसी वजह से ही सारे के सारे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं है? हाँ, इसी वजह से नहीं है, बिल्कुल सही समझा भाई। मतलब पुलिस वाले पहले ही उस वाले जायंट हल्क से लड़ रहे हैं, मुझे जल्दी जल्दी पुलिस वालों के पास जाना पड़ेगा। आखिर वो पुलिस वाले हैं कहाँ मुझे वो भी पता नहीं है, बट आगे जाता हूँ शायद से कहीं ना कहीं पर मिल ही जाएंगे। बस मैं सीधे ही जाता हूँ, या फिर इस साइड पे देख लेता हूँ या फिर इस साइड पे देख लेता हूँ, कहीं ना कहीं पर तो होंगे। लेकिन एक सेकंड, ये इतने सारे पुलिस वाले, दो हेलीकॉप्टर यहाँ पर, क्या ये तो बीच में पुलिस वाला फिनिश हुआ पड़ा है? इस
पुलिस वाले से ब्लड भी आ रही है और इसके हर जगह पे इतने सारे पुलिस वाले, पता नहीं इस पुलिस को क्या हुआ है, क्या इसको भी हल्क ने फिनिश किया है? अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता मैं बचने वाला हूँ। या फिर वहाँ पर कुछ कार्स पड़ी है और एक बाइक भी पड़ी हुई है। पुलिस वालों की कार और ये कार तो आपस में नहीं अटकी, क्योंकि वो देखो कार भी पूरी की पूरी टूटी हुई है। लेकिन मुझे एक बार जाके पूछना पड़ेगा इनसे। अरे सर, ये इतने सारे पुलिस वाले, आप लोग यहाँ पर क्यों और वो बीच में पुलिस वाला क्यों सोया पड़ा है? अरे क्या बताऊं तुम्हें, इसको हल्क फिनिश करके गए। हम सारे के सारे पुलिस वाले मिल के हल्क को फिनिश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी वेपन्स का हल्क पे इतना सा भी असर नहीं हुआ। हल्क सारे के सारे लोगों को फिनिश करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन हम भाग आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एक पुलिस वाला फिनिश हो गया, जिसको हल्क ने फिनिश किया है। अच्छा, लेकिन सर आप लोग बता सकते हो वो हल्क हमारी सिटी में आया क्या है और करने क्या आया है? अरे उस हल्क का मेन गोल है डीटीएन को फिनिश करना। अब हमें पता नहीं है कि वो डीटीएन है कौन जिसको हल्क फिनिश करने आया है। अरे वो तो मैं हूँ, लेकिन अगर मैंने इन पुलिस वालों को बता दिया तो ये मुझे पकड़ भी सकते हैं। अरे हाँ सर, पता नहीं वो कौन है, डीटीएन में भी उसी को ही ढूंढ रहा हूँ। अरे हाँ, अगर डीटीएन का पता चले तो हमें भी बता देना, हम भी तो देखे वो कौन है डीटीएन। अच्छा ठीक है सर, मैं चलता हूँ, बाय। भाई वो हल्क तो सच्ची में मेरे लिए आया है और मुझको फिनिश करने ही हल्क का मकसद है, और पुलिस वाला मुझसे बोल रहा था डीटीएन कौन है, अगर पता चले तो मुझे बताना। अब मैं उसको कैसे बताता कि मैं ही डीटीएन हूँ? अगर बता देता तो शायद से मुझे पकड़ लेते या फिर कहीं पर रख लेते, लेकिन मैं हल्क को फिनिश करना चाहता हूँ। पुलिस वाले भी उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आखिरी रास्ता यही है। मैं आरजेस टूल की हेल्प लेता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ हेल्प आरजेस टूल को, आई थिंक समझ में आ जाएगा। तो मैंने टाइप तो कर लिया हेल्प, अब मैं इसको कर लेता हूँ डन। फाइंड दिस ओके, एक वीडियो आ चुकी है जो कि ट्रेन के पास जा रही है और इसके ऊपर एक एनर्जी ड्रिंक के, मतलब आरजेस टूल हेल्प करने से पहले हमें एनर्जी ड्रिंक पिलाना चाहता है, जिससे थोड़ी बहुत एनर्जी आएगी मतलब इसका पावर आएगी। तो मैं अपनी फेवरेट स्प्लेंडर को निकालता हूँ और सीधा जाता हूँ ट्रेन के पास और मुझे उसके ऊपर जाना पड़ेगा। नॉर्मली तो हम ट्रेन के ऊपर जा ही नहीं सकते, वो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल होता है, लेकिन मैं ट्रेन के पास तो फिर देखता हूँ आखिर करना क्या है। ट्रेन के पास तो मैं पहुंच चुका हूँ, लेकिन अब मैं इसके ऊपर कैसे जाऊँ? फ्लोर पे तो मैं ऊपर जा सकता हूँ, और हाँ फ्लोर के ऊपर जाके मैं ट्रेन के ऊपर जा सकता हूँ, बट इसके ऊपर भी जाने के लिए मुझे काफी ज्यादा बड़ी जंप करनी पड़ेगी ताकि सीधा मैं उसके ऊपर जाऊँ। तो मैं इसके पास आ चुका हूँ, यहाँ से मैं जंप कर लेता हूँ और आ गया, आ गया, ये सा आ गया। अब मैं उस वाली ट्रेन के ऊपर जाता हूँ। ओके, तो ये रही वो एनर्जी ड्रिंक, इसको मैं पी लेता हूँ और आई डोंट थिंक सो कि इसको पीने से मुझ पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो मुझ में एनर्जी आ जाएगी, और थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाएगी तुम मैं क्या ही कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत एनर्जी से हल्क को तो मैं फिनिश नहीं कर सकता। बट आरजेस टूल नहीं दिए तो कुछ तो होगा, तो मैं इसको पी लेता हूँ और देखो तो ये कोई नॉर्मल बोतल नहीं है, कुछ ज्यादा ही बड़ी है। चलो मैंने उस वाली एनर्जी ड्रिंक को पी तो लिया है, लेकिन मुझे कुछ लग तो नहीं रहा है, मतलब कोई भी मुझ में फर्क नहीं आया, जैसे मैं था नॉर्मल वैसे ही हूँ। ऊपर से वैसे थोड़ी बहुत बड़े जंप करता था, अब तो वो भी जंप नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन एक सेकंड, एक और मैसेज, फाइंड दिस ओके, ये तो एक चैलेंज के एंड में जा रहा है, क्योंकि फिनिश बोर्ड नजर आ रहे और यहाँ पर एक ग्लो करता हुआ पोर्टल है, जो कि लिटरली में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इसके एंड तक भी पहुंचना पड़ेगा। अब उस पोर्टल से होगा तो पता नहीं क्या, लेकिन मुझे उस तक पहुंचने के लिए एक चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा ही मुश्किल होता है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे उस पोर्टल तक पहुंचना है। तो मैं अपनी फेवरेट स्प्लेंडर को निकालता हूँ और सीधा उस वाले चैलेंज के पास जाता हूँ। ऑलराइट, तो मैं इस चैलेंज के ऊपर पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर एक ऑलरेडी बाइक पड़ी हुई है, मतलब इसी बाइक से इस वाले चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब मैं आगे जाता हूं, बट उससे पहले इस चेक पॉइंट से निकलता हूं और ये सब मुझे आगे जाना, और यहां पर स्टार्टिंग में इतु सी वाले मैं निकल जाता हूं और यस निकल गया इजीली। ये टनल के अंदर ही पंखे हैं, जो कि इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि सिंगल पंखे हैं, लेकिन ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं। वैसे तो इजी है, लेकिन यूं टर्न करो उससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। देखो मैं यहां गया, फिर मुझे टर्न करना पड़ेगा, फिर यहां से मुझे रिवर्स लेके फिर यूं टर्न करना पड़ेगा। ओके, तो वो क्रॉस हो चुकी है और ऑलमोस्ट टनल ही मेरी क्रॉस हो गई, ये एक चेक पॉइंट है, इससे मैं निकल लेता हूं और यहां पे मुझे वहां तक जाना है। ओह शिट, मुझे जंप करना था, बट चेक पॉइंट की वजह से मैंने वहीं से स्टार्ट कर लिया। मैं आ चुका और इस बार मेरा जंप भी हो चुका है। अब मुझे इन दोनों कंटेनर के बीच से निकलना है, मैं निकल जाता हूं और यस, चलो ये भी क्रॉस हो गया। अब ये डब्बे बीच में या फिर कुछ और ही है, डब्बे ही है आई थिंक, लेकिन किस टाइप के वो मुझे पता नहीं चल रहा। लेकिन उसको छोड़ो, ये सामने ट्रीज का रास्ता है, मुझे नजर तो आ रहा है मेरी बाइक अटकेगी और यस मेरी अटक रही है। निकल जाना, निकल जाना।
निकल भी गई। अब ये क्रेजी है, लेकिन क्रेजी होने की वजह से मुश्किल भी है, तो मुझे आराम से जाना पड़ेगा। क्रॉस हो रहे हो रहे, और मैं अटका थोड़ा सा रिवर्स लेके, फिर मैं जाता हूँ, अटका लेकिन निकल गया। अब आगे जाने और काफी सारे मुझे नजर आ रहे, लेकिन मैं भी क्रॉस करते जा रहा हूँ। बाकी 3 ही बजे आई थिंक मैं इसको क्रॉस कर ले, तो उसके बाद 2 ही है। लेट्स गो लेट्स गो, क्रॉस हो रहे क्रॉस हो रहे। बाकी ये लास्ट है, आई थिंक ये लास्ट ही लास्ट ही है, और मैंने क्रॉस कर लिया। वहां पर चेक पॉइंट है, इससे मैं निकल लेता हूँ। सामने कुछ है लेकिन नजर नहीं आ रहा। ओ फर्स्ट पर्सन में नजर आ रहा है, यहाँ पर ये रास्ते बने हुए, मुझे ध्यान से जाना पड़ेगा। मैं नीचे ना चला जाऊं, क्योंकि ये यूं है। और सामने रेड कंटेनर घूम रहा है, मुझे इसको क्रॉस करना है। अब मुझे ब्लू कंटेनर के ऊपर जाना है, थोड़ा सा रिवर्स। ओ शिट शिट, वो जा रहा है। मैं नीचे ना चला जाऊं, लेकिन बच गया। इसके ऊपर से अब मैं ध्यान से चला जाऊं। मैंने अपनी बाइक तो इसके ऊपर लाद दिए, और यहाँ से मुझे जंप करना है। मैंने जंप कर दिया, लेकिन ठीक नहीं हुआ है। ओ ओ आ गया आ गया, मुझे चेक पॉइंट भी मिल चुका है। ये ठीक है, वेट, ये कैसा रास्ता है चेक पॉइंट्स का? अब इन चेक पॉइंट्स से मैं कैसे गुजरूंगा? ओह शिट, मैं तो नीचे जा रहा हूँ, मुझे अगेन स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं फिर से नीचे जा रहा हूँ, यहीं पर ही चेक पॉइंट से मैं आगे कैसे जाऊँ? अरे मैं आ गया। ये क्या था, मैं सिर्फ चेक पॉइंट वाले बटन को ही क्लिक कर रहा था, और मेरी बाइक आगे आते जा रही थी, और सारे के सारे चेक पॉइंट को क्रॉस कर लिया। ऐसे अब ये है, मुझे अब आगे जाना है। इतने सारे मगे, मुझे थोड़ा सा ध्यान से जाना पड़ेगा। और पंकी क्रॉस हो चुकी है, और एक चेक पॉइंट भी मेरा क्रॉस हो चुका है। उस साइड से भी रास्ता है, और इस साइड से भी रास्ता है, बट ठीक कौन सा है वो मैं कन्फर्म नहीं हूँ। मैं इसी साइड से चला जाता हूँ, शायद इसी साइड से ठीक हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। ओ शिट, सामने बंद है। हाँ मतलब मैं गलत जगह आया हूँ, मुझे उस साइड से जाना था, लेकिन वेट, वहां से मुझे थोड़ा सा रास्ता नजर आ रहा है। ये तो बिल्कुल थोड़ा सा मेरी बाइक शायद से नहीं गुजर सकती। मैं ट्राई करता हूँ, और निकल गई मेरी बाइक। यहाँ से आई थिंक जंप करना है, क्योंकि डब्बा ही है। यहाँ से जंप करना था, और मैं पहुंच भी गया। अब इतने सारे पंखे घूम रहे हैं यहाँ पर मुझे। ओ शिट, ये कैसी बाइक है, मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। वैसे मुझे ये बाइक पसंद नहीं, और ऊपर से चैलेंज में मैं इसको चेंज करता हूँ। ओके, तो अब मैंने अपनी फेवरेट निंजा H2R को ले लिया, और इस वाले चैलेंज के लिए ये काफी ज्यादा ही बेस्ट है। तो मुझे ध्यान से जाना पड़ेगा, और यहाँ पर इतने सारे पंखे। बट अब मेरे पास मेरी फेवरेट बाइक है, तो मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ध्यान से क्रॉस भी हो रहे, और सारे के सारे क्रॉस हो गए। मुझे ऐसे इसके ऊपर जाना है, वैसे एक उस साइड पे भी था, लेकिन ये ठीक है। यहाँ पर पीछे एक चेक पॉइंट है, इससे मैं निकल लेता हूँ, लेकिन सामने तो कुछ है ही नहीं। सीरियसली मैं कुछ नहीं है, देखो ये तो एक चेक पॉइंट है, क्या मैं गलत रास्ते से नहीं आया हूँ? वो वाला कंटेनर तो ठीक नहीं है, लेकिन वहां पर तो वाल है। सामने मुझे वहां पर प्रोब्स भी नजर आ रहे हैं, यहाँ से ही मैं निकलता हूँ। ये जो बोर्ड है ना, थोड़ा सा मैं इस साइड पे जाके वहां पर कंटेनर भी है, मैं तो नीचे जा रहा हूँ। अरे यहाँ पर एक इनविजिबल रास्ता है, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था, और मुझे लग रहा था मैं तो नीचे गया, लेकिन अब मुझे आराम से जाना है, और यहाँ पर ऊपर आ गया। लेट्स गो, अब ये रेड कंटेनर है, मैं इससे निकल लेता हूँ, और इजीली मैंने क्रॉस भी कर लिया। एक और चेक पॉइंट भी मुझे मिल चुका है, और यहाँ से मुझे जंप करना है, मैं नीचे ना चल जाऊँ। और ये जंप, मैं तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, बट मेरे पास चेक पॉइंट है, तो मैं वहां से स्टार्ट कर सकता हूँ। अब मुझे अगेन जंप करना है, और इस बार ध्यान से जंप करना है, ताकि मैं वहां तक पहुंच पाऊँ। ओके, तो अगेन मैंने फुल स्पीड दे दी। इस बार तो मैं स्टार्टिंग से ही साइड से चला गया, लेकिन इस बार मुझे ध्यान से जाना है। लेट्स गो, अगेन मैंने फुल स्पीड दे दी, और ये मैंने स्पीड दी। अरे तू कहां से आ गया? इस बार तो मुझे कैसे भी करना है, या तो मैं नीचे चला जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, तो पंखे पास में आ रहे हैं। इस बार मैंने फुल जंप कर दिया, और पहुंच गया। फाइनली इतने ट्राई के बाद मेरा कुछ अच्छा जंप हुआ, और ब्रेक लग जा। मैं नीचे ना चला जाऊं, इतनी ज्यादा स्पीड में चला गया था। बट एनीवेज, अब मुझे इतू से रास्ते को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पंखे भी घूम रहे हैं, लेकिन ये आई थिंक साइड से, मतलब मैं निकल सकता हूँ, और निकल भी गया। एक और चेक पॉइंट भी क्रॉस कर लिया, फिर से ये साइड पे पंखे घूम रहे हैं, मुझे ध्यान से जाना पड़ेगा, और यहाँ से मुझे फिर टर्न करना है। अरे मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास चेक पॉइंट है, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर सकता हूँ। इस बार मुझे थोड़ा सा ध्यान पे जाना है, यहाँ पर एक टर्न है, मेरी बाइक अटकी है, मैं थोड़ा सा रिवर्स लेके जाता हूँ। लेकिन रिवर्स क्यों, जबकि मेरे पास चेक पॉइंट है, तो मैं थोड़ा सा पीछे फिर से आ चुका हूँ, और यहाँ पर मुझे जाना है, और थोड़ा सा इस साइड पे टर्न, और ये आ गया इसके ऊपर। ओ, इसके ऊपर तो आ गया, लेकिन वहां पर मुझे एंडिंग पॉइंट भी नजर आ चुकी है, मतलब इस वाले चैलेंज के एंड में मैं पहुंच गया, बस ये 2 पंखे इनको क्रॉस करूं। लेट्स गो भाई, फाइनली इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करके मैं पहुंच गया इसके एंड तक, ये लास्ट पंखा, और मैं आ गया। ये रहा वो पोर्टल, और शायद से मुझे इस वाले पोर्टल के अंदर जाना है, क्योंकि बाहर से तो मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, और मुझे डर लग रहा है अंदर जाने से। लेकिन अब मैं इतना ज्यादा खतरनाक चैलेंज कंप्लीट करके इस तक पहुंचाऊं, तो मुझे इसके अंदर भी जाना पड़ेगा। तो ये बस मैं अंदर जाता हूँ, मुझे कुछ होना चाहिए। ये मैं इसके अंदर गया। या
यार वो कैसा पोर्टल था, मैं उसके अंदर गया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ। लेकिन ये मुझे क्या हो रहा है, मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ? ओह शिट, ये मेरी साइज बढ़ रही है। अरे ये कैसे हो रहा है? शायद उस वाले पोर्टल की वजह से हो रहा है, और मेरी साइज कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। अब तो मैं हल्क जितना हो चुका हूँ, अब तो मैं हल्क को फिनिश भी कर सकता हूँ। तो मैं हल्क के पास जाता हूँ, उसको फिनिश करता हूँ। अच्छा बेटा, तेरी साइज बड़ी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे फिनिश कर सकता है। मैं तुम्हें फिनिश करने आया हूँ। अरे हल्क के बच्चे, सिर्फ मेरी साइज बड़ी नहीं हुई है, मैंने एनर्जी ड्रिंक भी पी रखी है। अरे तो क्या हुआ फ्रैंकलिन, फिर भी मैं ताकतवर और पावरफुल हूँ। अच्छा तू मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। अरे फ्रैंकलिन ये ले और ये भी ले। अबे हल्क तू मेरी लात खा। अरे डीटीएन लेट्स गो भाई, मैंने हल्क को फिनिश कर दिया, वो भी सिर्फ एक लात से ही। अब अगर तुम लोग को भी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं 100 हगी वगी से लड़ा था वो वीडियो देखनी है तो ऊपर शो हो रही है, जाके उसको देख लो। And his name is John Cena.